नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। अभी सूर्य ग्रहण के बारे में बात करने वाले। सूर्य ग्रहण थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है और समय बताया जा रहा है 8:17। कुछ ज्योतिषों के अनुसार और कुछ ज्योतिषों के अनुसार अलग। यहाँ पर आपको सिर्फ बताएंगे वैज्ञानिक कारण और वैज्ञानिक समय। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक और बताएंगे हर टाइम जोन का, हर एक सूर्य ग्रहण का समय। तो आप देखते रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अगर आप आगे भी अच्छी न्यूज और नॉलेजेबल अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इस सूर्य ग्रहण के बारे में कि कब शुरू होने वाला है। शुरुआत करते हैं कोलकाता से। कोलकाता में सूर्य ग्रहण दिखने वाला है 3:05। यहाँ पर सूर्य ग्रहण स्टार्ट होगा 8:27 पर और अंतिम समय होगा 11:32। यानी कि लगभग 3:05 सूर्य ग्रहण चलने वाला है। वहीं अगर बात करी जाए बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में करीबन 2:51:40 चलने वाला है सूर्य ग्रहण। आपको बता दें बिहार में 8:25 पर सूर्य ग्रहण दिखना शुरू होगा और 11:19 तक दिखेगा और इस प्रकार से 2:51 तक लगातार सूर्य ग्रहण नजर आएगा और इस प्रकार से सूर्य और धरती के बीच में से चंद्रमा हट जाएगा, जो कि हमने पहले बता चुके हैं। हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी है सूर्य ग्रहण के बारे में और क्या चीजें ना करें इसके बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर विजिट करिएगा। वहीं बात कर लेते हैं टाइम जोन इंदौर की, और इंदौर आता है मध्य प्रदेश में, लगभग मध्य प्रदेश के जो भी इलाके इंदौर के आसपास से उनमें यही टाइम जोन रहने वाला है। तो आपको बता दें यहाँ पर कुल 2:50 तक सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। इसकी शुरुआत होगी 8:09 पर और अंतिम जो होगा वो 10:59 पर। इस प्रकार से 2:50 यहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। अब अगर बात करी जाए जयपुर सिटी की और राजस्थान पूरे, यानी कि जयपुर जो कि टाइम जोन है राजस्थान का, वहाँ की बात कर लेते हैं, यानी कि राजस्थान पूरे की लगभग, तो जयपुर में सूर्य ग्रहण लगभग 2:42 दिखने वाला है। इसमें 8:13 पर सूर्य ग्रहण की स्टार्ट हो जाएगा और 10:56 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 2:42 जयपुर में और राजस्थान में देखने को मिलने वाला है। अब अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की और यहाँ पर के टाइम जोन लखनऊ की बात कर ले, तो यहाँ पर 2:47 तक सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। इसमें लगभग 8:20 पर सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और 11:07 पर सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से 2:47 तक दिखने वाला है। अब अगर बात करी जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में 2:40 तक सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। ये दिल ना सिर्फ दिल्ली का है बल्कि यहाँ पर जो भी समुच्चय जो भी यहाँ पर पास में आ रहे हैं वो सब है। इसमें चंडीगढ़ ले लीजिए, पंजाब, हरियाणा, इनको भी घेर लेता है और यहाँ पर लगभग यही टाइम देखने को मिलने वाला है। इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है जो कि सूर्य के एंगल पर डिपेंडेंट करता है। बात करी जाए अगर दिल्ली की यानी कि दिल्ली सिटी की, तो यहाँ पर 2:40 तक दिखने वाला है। इसमें 8:17 पर सूर्य ग्रहण स्टार्ट होगा, वहीं 10:57 पर सूर्य ग्रहण अंत होगा। अब अगर चलते हैं हम थोड़े से उत्तर की ओर और उधर पंजाब हरियाणा की तरफ चले, तो यहाँ पर आपको बताएंगे लुधियाना टाइम जोन का। तो लुधियाना में आपको बता दें 2:33:46 तक चलने वाला है। इसमें आपको बता दें 8:19 पर यहाँ पर सूर्य ग्रहण स्टार्ट होने वाला है, वहीं 10:53 पर यहाँ पर सूर्य ग्रहण खत्म होने वाला है। अब अगर बात करी जाए दक्षिण भारत की, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कोयम्बटूर टाइम जोन की, यहाँ पर आपको बता दें 8:06 पर स्टार्ट होने वाला है, वहीं 11:11 पर खत्म होने वाला है। जैसा कि ये दक्षिण में आ रहा है और वहाँ पर जो सूर्य होता है वो काफ़ी जल्दी उग जाता है और काफ़ी जल्दी प्रातःकाल में दिखने को मिल जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। अब अगर बात करी जाए अहमदाबाद और गुजरात राज्य के, तो यहाँ पर 8:06 पर सूर्य ग्रहण स्टार्ट होने वाला है और 10:52 पर यहाँ पर खत्म होने वाला है। अब अगर बात करी जाए कर्नाटक की और बेंगलुरु की, तो यहाँ पर आपको बता दें 8:06 पर शुरू होगा, वहीं 11:11 पर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से था समुचे भारत के टाइम जोन जहाँ पर सूर्य ग्रहण देखने को मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।